हेलो एवरीवान वेलकम टू माई चैनल सो कैसे हैं आप सब लोग तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा कि आज मैं प्रेगनेंसी में स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में बात करना चाहूँगी तो स्टार्टिंग uh, में मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं तो मैंने अपनी गलतियों से अपने आप सीखा तो मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए तो मैंने आज इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने का सोचा तो प्रेगनेंसी में जब मेरा अभी ये जैसे मैंने बोला अभी फोर्थ मंथ चल रहा है तो सेकंड ट्राइमेस्टर तो स्टार्टिंग में जो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ स्टार्टिंग uh, में क्या था स्टार्टिंग uh, में जब मेरा वन मंथ था बेबी हमारा बहुत ज़्यादा छोटा होता है कि uh, मतलब हमें पता ही नहीं होता कहीं फ़ीमेल्स को ये पता ही नहीं चलता है कि वो लोग प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं तो हम लोग पेट किस से पेट की तरफ से लेट जाते हैं मतलब पेट के बल से हम लोग लेट जाते हैं तो उस वक्त तक हम लोगों को कोई हार्म नहीं होता जब हम लोगों को जैसे ही हम लोगों को पता चलता है कि हाँ हम लोग प्रेग्नेंट हैं या हमारी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस वक्त ये कंफर्म होता है कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं तो उस वक्त भी मतलब क्या करते हैं हम लोग पेट के बल से लेट जाते हैं मैं बहुत सिंपल टर्म में ये बात कर रही हूँ हम पेट के बल से लेट जाते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसा ही किया स्टार्टिंग में आ, मेरे को आ, मतलब सीधा पेट के बल लेटने की आदत थी तो मैंने स्टार्टिंग से वही अपना फॉलो रखा कि मैंने सोचा कि बच्चा छोटा है कोई फ़र्क नहीं पड़े पड़ता या कुछ भी नहीं पड़ता तो जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी एडवांस होने लगी तो मुझे आ, मतलब स्लाइटली सा जिसको आप कह सकते हैं बहुत थोड़ा सा मुझे पेन एक बार महसूस हुआ कि हाँ मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है या थोड़ी सी मेरे को कुछ परेशानी हो रही है लेटने में या करवट लेने में तो मैंने अपनी जो भी डॉक्टर है मैंने अपनी गायनी से पूछा कि मैम पोजीशन क्या होनी चाहिए स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए प्रेगनेंसी में तो उन्होंने मुझे यही बोला कि नेहा हमेशा लेफ्ट या राइट जो भी आप लेफ्ट करवट से सोएं या राइट करवट से सोएं जैसे ही आपको पता चले कि हाँ कि आ, आ, कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि मोस्टली क्या होता है कि हम लोग आ, सोते हुए हमें पता नहीं चलता हम किस पोजीशन में हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा होता है कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि हमें सोते हुए पता नहीं चलता हम किस पोजीशन में सो रहे हैं तो उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी तो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी होनी कि तो आप स्टार्टिंग से ही अगर अपनी स्लीपिंग पोजिशन लेफ़्ट या राइट स्टार्टिंग से ही ये चीज़ बना के चलें तो आपको आने वाली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो मैंने बोला ओके okay, डॉक्टर तो स्टार्टिंग में मैं अगर अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैं पेट के बल लेट जाती थी तो मैंने ये एक दो महीने तक कंटिन्यू रखा उसके बाद मुझे ये खुद से फ़ील हुआ कि हाँ कि मेरे को लेफ़्ट या राइट करपट लेने से नींद नहीं आती पर एक दो दिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई पर धीरे धीरे मैंने उस पोजीशन को चेंज करके अपनी लेफ़्ट या राइट पोजीशन में लेटना स्टार्ट किया तो जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी एडवांस होती है ना तो हम लोगों को वो दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं हम पेट केबल नहीं लेट सकते अगर हम लेफ़्ट या राइट करवट लेटते हैं तो ये बोलते हैं कि बच्चे को सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा मिलता है तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है हमारे हम लोगों को बैक पेन भी नहीं होता तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी जैसे ही आप लोगों को कंफर्म हो कि आप प्रेग्नेंट हैं तो मतलब अब धीरे धीरे हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हमें सोते हुए माई पोजिशन चेंज हो ही जाती हैं कि हम किसी भी और पोजिशन में चले जाते हैं पर आप मतलब कोशिश करके लेफ्ट या राइट पोजीशन में सोने की कोशिश करें धीरे धीरे ये हमारी हैबिट अपने आप डेवलप हो जाती है तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी तो आप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे लिए वीडियो को लाइक करेगा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मैंने और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं ब्लीडिंग से रिलेटेड सो प्लीज़ वीडियो, उन वीडियोस को भी आप वॉच कर सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच